नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी स्वागत करता हूं आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान में, जहां पर हम लेकर आ गए हैं एक वीडियो आपके लिए जो कि होने वाला है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट टू का। यदि आप कर रहे हैं यूपीपीसीएल टीजी2 जेई डीआरडीओ टेक्नीशियन यूपीआरवीएनएल मतलब ऑल टेक्निकल वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपका यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप पार्ट वन वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे पार्ट वन वीडियो मिल जाएगा और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल्स के टॉपिक पे वीडियो आ चुके हैं और ऐसे ही आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हम आपका प्रिपरेशन कराते रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करें। और यहाँ पे यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है इस वीडियो को देखने के बाद, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का, जी हाँ, इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जैसे ही यहाँ पे वीडियोस मिलती हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे पीडीएफ पोस्ट कर दी जाती है। तो दोस्तों चले बढ़ते हैं, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्मी लेवल का, फर्मीय सतह का। अभी हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर का ना, तो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात किए थे। तो आज हम बात करेंगे फर्मी लेवल का, भाई सेमीकंडक्टर में ये क्या होता है, फर्मी लेवल क्या होता है, उसकी हम जानकारी लेंगे और बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपके सामने आज आने वाले हैं। तो दोस्तों, फर्मी लेवल, फर्मी सतह या उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को व्यक्त करता है जिसकी बैलेंस बैंड मतलब संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने की संभावना 50% होती है। जब 50% इलेक्ट्रॉन्स जो बैलेंस बैंड में मूव करते हैं तो क्या कहता है, वो जो लेवल बनता है, वो जो सतह बनता है, फर्मी लेवल कहता है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किसी प्योर कंडक्टर का फर्मी लेवल परसेंटेज कितना होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा 50%, 30%, 70% एंड 100%। तो दोस्तों, आपको बिना कुछ सोचे आपको टिक लगा देना है, कंडक्टर का जो फर्मी लेवल होता है वो क्या होता है, वो 100% होता है ना, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी सतह एनर्जी गैप के मिड में होता है। जो फर्मी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो क्या होता है, जो फर्मी सतह, जो हम फर्मी लेवल की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, वो मिड में होता है, एनर्जी गैप के जस्ट मिड में होता है। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एन टाइप और पी टाइप की ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो ये आपका फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास में होता है, ठीक है, वो कंडक्शन बैंड के पास में होता है, जो फर्मी लेवल एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वो बैलेंस बैंड के सामने होता है, बैलेंस बैंड के जस्ट निकट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपके सामने ये फिगर है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एन टाइप में ये कंडक्शन बैंड के निकट है फर्मी लेवल, और पी टाइप में वैलेंस बैंड के पास में है, ठीक है। ये हमारा था क्या, फर्मी लेवल था। चलिए बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं ड्रिफ्ट करंट का। ड्रिफ्ट करंट मतलब ड्रिफ्ट धारा, जिसमें आवेश का प्रवाह, जो हम फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं, आवेश का प्रवाह आरोपित वोल्टेज के कारण होता है, ड्रिफ्ट करंट कहलाती है, ठीक है। जो इस पे आरोपित वोल्टेज होते हैं, इस पे जो फोर्स लगाया जाता है, वोल्टेज द फोर्स ना, तो वो जो फोर्स यहाँ पे जनरेट किया जाता है, इस पे प्रेशराइज किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो उसका ड्रिफ्ट करंट कहलाती है। विद्युत क्षेत्र के अभाव के कारण बहने वाली धारा को ड्रिफ्ट धारा तथा इसकी वेग को ड्रिफ्ट वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन करंट का ना। डिफ्यूजन करंट की बात करेंगे तो वह धारा, वह करंट जो सभी जगह आवेश वाहकों, जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो चार्ज को कैरियर करके चार्ज को सहायता प्रदान करते हैं या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उसको सहायता देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर कहते हैं। तो वह धारा जो सभी जगह आवेश वाहकों की सांद्रता, सेचुरेशन जो उसको कहते हैं, सांद्रता समान न होने के कारण होती है, क्या कहलाती है, विसरण धारा कहलाती है, डिफ्यूजन
करंट कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं हम पी एन जंक्शन का, देखिए अब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ लिए हैं। अब देखिए अब हम बात करेंगे पी एन जंक्शन की बारे में, जिसको हम कहते हैं एक नॉर्मल डायोड कहते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है, देखने में बहुत छोटा होता है लेकिन काम बड़े बड़े करता है, ठीक है। अब ये जो बेसिक टर्म्स हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसको शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और फुल वीडियो देखिए। और इसका यदि नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। तो लाइक, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत लाइक करिए इस वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यदि पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थ जिससे एक क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? पी एन जंक्शन कहलाता है। सामान्य रूप से पी टाइप और एन टाइप पास लाकर जोड़ने से पी एन जंक्शन डायोड नहीं बन पाता, क्योंकि इसके एकल क्रिस्टल संरचना प्राप्त नहीं होती। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पास मिला दें तो क्या वो डायोड बन जाएगा, वो पी एन जंक्शन क्रिएट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए जब हम यहाँ पे एक वर्ड आता है, बायसिंग आता है, जब हम इसे सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे ही सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे वो उसकी बायसिंग हो जाती है। बायसिंग जैसे ही कनेक्ट हम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक थर्मल इफेक्ट जनरेट होता है। बिल्कुल, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिप्लेस होने लगते हैं, तो ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, ये थर्मल इफेक्ट कहलाता है। जी हाँ, थर्मल इफेक्ट के वजह से पी एन जंक्शन क्रिएट होता है और हमारा डायोड वर्क करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसमें क्या क्या टर्म्स हैं। तो संधि के मतलब जंक्शन के दोनों ओर आवेश घनत्व समान न होने के कारण संधि पर विसरण की क्रिया होती है। पी होल का एन पदार्थ में तथा एन का स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पी पदार्थ में विसरित हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स की अधिकता ज़्यादा होती है और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता ज़्यादा होती है, जिसको हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम से भी जानते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या है कि संधि के दोनों ओर आवेश घनत्व समान न होने के कारण संधि पर विसरण की क्रिया, डिफ्यूजन की जो क्रिया होती है वो पी होल्स का तथा एन में पी होल का एन में पदार्थ में तथा एन का स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पी पदार्थ में विसरित हो जाते हैं। संधि के पास विपरीत आवेश समान मात्रा में आ जाते हैं और क्या हो जाते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, ये इसका सिंबल है, पी एन जंक्शन मतलब सिंपल डायोड का ये सिंबल है, ठीक। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अब देखिए यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप पहले फिगर में देखिए फिगर ए है और ये फिगर बी है। तो हम फिगर ए की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, हम पी और एन क्या है, पी और एन सेमीकंडक्टर को या पी एन मटेरियल को एक पास ला के रख दिए हैं। तो यहाँ पे कोई देखिए क्रिया नहीं हो रही है, कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। और यहाँ पे पी टाइप में यहाँ पे देखिए पॉजिटिव का यहाँ पे सिंबल है और एन टाइप में निगेटिव का सिंबल है ना। तो पी टाइप में क्या है, नंबर ऑफ होल्स हैं ना, नंबर ऑफ होल्स हैं, और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता ज़्यादा होती है। अब देखिए अब हम जैसे हम इसकी बायसिंग करते हैं, जैसे हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कराते हैं तो क्या होता है, उसमें डिफ्यूज़न होने लगता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करने लगते हैं और एक लेयर बनने लगता है। ये जो लेयर बनता है इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन लेयर। जी दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं कि पी एन जंक्शन की अवस्था स्टेज कह उसको स्टेज कह सकते हैं या मेथड कर सकते हैं कि ये कितने मेथड में डिवाइड होता है। तो दोस्तों पी एन जंक्शन की जो अवस्था होती है वो मेनली दो प्रकार की होती है, वो होती है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ये दो प्रकार से काम करती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में। अब किस तरह से हम इसे वर्क कराते हैं उसका फंक्शन हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों चले बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं पहला कि फॉरवर्ड बायस आखिर होता क्या है, इसमें हम क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम करते क्या हैं कि जब हम
डायोड के पॉजिटिव सिरे से, मतलब डायोड के जो बैटरी हम वहाँ पे कनेक्ट कराते हैं, बायसिंग करने का मतलब मैं बताया आपको कि सप्लाई कनेक्ट कराते हैं, तो उसमें जैसे ही पॉजिटिव सिरे को हम क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव सिरे को पी मटेरियल से कनेक्ट करा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव मटेरियल से कनेक्ट करा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव के साथ कनेक्ट करा रहे हैं। तो ऐसा जो स्टेज तैयार होता है या ये जो मेथड लगता है ये होता है फॉरवर्ड बायसिंग में आता है, और इसमें जब करंट फ्लो होगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पी से लेकर एन की तरफ करंट हमारा क्या करता है भाई, वो फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हो और इसे समझ पा रहे हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे कि फॉरवर्ड बायस में इस क्या क्या अवस्था होता है। मैंने आपसे बताया कि फॉरवर्ड बायस में पी एन संधि जो है हमारा पी एन पॉजिटिव और निगेटिव जो सिरा है का जो पी सिरा है बैटरी के पॉजिटिव सिरे तथा एन सिरा बैटरी के ऋणात्मक मतलब निगेटिव सिरे से कनेक्टेड किया जाता है। इस अवस्था में डायोड में धारा का प्रवाह पी से एन की तरह होता है, जो कि मैंने आपको फिगर में समझाया। बैटरी के पॉजिटिव सिरा पी के होल को जंक्शन के पार भेजता है, जिसे एन का जो एन का मतलब नेगेटिव जो सिरा पॉइंट होता है अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। मतलब जो एन का जो पॉइंट है वो पॉजिटिव के होल्स को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसी प्रकार बैटरी के नेगेटिव सिरा एन के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जंक्शन के पार मतलब जो जंक्शन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, हम कह सकते हैं कि जंक्शन को पार करते हैं, एक फोर्स उसे क्या करता है, ढकेलता है, जिसे पॉजिटिव सिरा अपनी तरफ क्या करती है, वो अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस अवस्था में होता है तो डायोड का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन आता है कि डायोड का जो प्रतिरोध होता है फॉरवर्ड बायसिंग में वो कैसा होता है या कितना होता है, तो वो क्या होता है, बहुत कम होता है। जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहता है तो डिफ्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होती है, जो विड्थ होती है, वो क्या होती है, घट जाती है। देखिए जब हमारा करंट पॉजिटिव से निगेटिव इस पीएन जंक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किधर से, पॉजिटिव से निगेटिव मूव कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा विड्थ है या जो मैंने आपसे बताया जो डिप्लीशन लेयर जनरेट होता है वो क्या करता है, बहुत ही पतला होता है, जिसकी वजह से कंडक्शन स्टार्ट होता है और जिसको हम कहते हैं कि हमारा डायोड वर्क कर रहा है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, वो कम होती है, ठीक, घट जाती है। अब इसको समझने के लिए हम इसको मैथमेटिकली कैसे हम इसको गणित की भाषा में समझ सकते हैं वो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे। तो विड्थ क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/√ फॉरवर्ड बायस के। जो ये कंडीशन होता है विड्थ का वो इस पर डिपेंड करता है, 1/√ फॉरवर्ड बायसिंग के मेथड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आता है, वो होता है आई एफ इजक्वल टू आई नॉट, ठीक है, ई की पावर वीडी अपॉन एन वी टी माइनस वन। ये जो फार्मूला होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, वहाँ पे ये आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेनली बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते भी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आई नोट क्या है, लीकेज करंट है, वीडी क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड है, वीटी क्या है, थर्मल वोल्टेज है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो टेम्परेचर वो कितना रखा गया है, वो 300 केल्विन रखा गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं उसको भी बताना चाहेंगे कि डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता है तो फॉरवर्ड करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। जब हम डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है उसे जब हम इंक्रीज कराते हैं, बढ़ाते हैं, तो फॉरवर्ड करंट एक्सपोनेंशियली क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में आरोपित वोल्टेज का विरोध करती है। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज आप फोर्सफुली मतलब जो वोल्टेज वहाँ पे लगाया जा रहा है वो उसका विरोध करता है तथा वैरियर के विपरीत होता है, जिसके कारण पोटेंशियल वैरियर पोटेंशियल क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है।
ठीक। तो फॉरवर्ड बायस में केवल मेजोरिटी कैरियर के कारण फॉरवर्ड करंट होता है। कहने का मतलब ये है कि फॉरवर्ड बायस में मतलब जब पी से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन या करंट मूव कर रहा है तो इस स्थिति में क्या होगा कि मेजोरिटी कैरियर ज़्यादा होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो होगी अधिकता होगी वो ज़्यादा होगी यहाँ पे। और फॉरवर्ड बायस में टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस डायस वीडी क्या करता है, वो घटता है, डिक्रीज करता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी के अभी। चलिए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉरवर्ड करंट का। जो हमारा फॉरवर्ड करंट है वो टेम्परेचर, मतलब जो हमारा टेम्परेचर है वो फॉरवर्ड करंट अवस्था में क्या इफेक्ट डालेगा उस पर हम आज बात करेंगे। तो फॉरवर्ड करंट क्या होता है, मेजोरिटी कैरियर पर निर्भर करता है। फॉरवर्ड करंट मैंने पहले ही बताया, जब फॉरवर्ड करंट की बात हो रही है, जब पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड करंट की बात हो रही है तो उसमें मेजोरिटी कैरियर हमेशा सामने आएगा। तो मेजोरिटी कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है। तो फॉरवर्ड करंट क्या होता है, मेजोरिटी कैरियर पर निर्भर करता है, लेकिन मेजोरिटी कैरियर टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, इसलिए फॉरवर्ड करंट टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, ठीक। तो माइनॉरिटी कैरियर करंट को लीकेज करंट या स्मीय धारा कहते हैं, यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे फॉलोअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से माइनॉरिटी बढ़ने के कारण केवल लीकेज करंट बढ़ता है। यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अर्थात क्या होगा, होल जनरेशन ज़्यादा होगा, तब क्या होगा, माइनॉरिटी क्या होगा, माइनॉरिटी कंडक्शन जनरेट होगा, तो क्या होगा इससे, वो लीकेज करंट क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमें यहाँ पे यूज कर किया जाता है कि आई एफ इजक्वल टू आई नॉट ई के पावर वी डी अपॉन एन वी टी इजक्वल टू क्या हो जाता है, ये कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक। इस लीकेज करंट जब हमारा बढ़ता है तो यहाँ पे ये अवस्था निकल कर आती है, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वी टी बढ़ता है, और जब वी डी घटता है तो वी टी के बढ़ने और वी डी के घटने से वी डी अपॉन एन वी टी घटता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट क्या करता है, बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे आई एफ मतलब फॉरवर्ड करंट क्या होता है, वो कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं रिवर्स बायस के बारे में अर्थात ब्लॉक मोड के बारे में। अब इसमें क्या क्या कंडीशन होगा उस पर हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड बायस के बारे में, उसमें क्या क्या कंडीशन था हम आपको समझा चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि रिवर्स बायस में क्या क्या होता है। तो देखिए रिवर्स बायस स्थिति में पी को मतलब पॉजिटिव को पी मटेरियल को बैटरी के निगेटिव से तथा एन मटेरियल को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। देखिए एक फिगर हम आपके सामने ड्रा कर रहे हैं, ये हमारा पी एन जंक्शन है, ठीक है, पी एन जंक्शन है। अब क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा जो हमारा फॉरवर्ड बायस में था उसका यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, यहाँ पे निगेटिव के साथ पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के साथ और यहाँ पे पी मटेरियल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था में डिप्लीशन लेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा हम बिल्कुल यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस स्थिति में जो पी मटेरियल होता है उसे निगेटिव के साथ और एन मटेरियल को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं, जिसके कारण पी का जो होल होता है वो एन के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ध्रुवों के द्वारा क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन को पार नहीं कर पा सकता है, जिसके कारण रिवर्स बायस में धारा प्रवाह नहीं होता। देखिए कहने का मतलब ये है, जब हमारा ये पीएन जंक्शन है, ठीक, जब ये पीएन जंक्शन में क्या हो जाएगा, इस तरह का जब मोड आ जाए पॉजिटिव इस साइड और नेगेटिव इस साइड, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, कुछ इस तरह से मूव करेंगे और इस ध्रुवों पे मतलब पॉजिटिव ध्रुव पे आके क्या हो जाएंगे, कलेक्ट होना स्टार्ट होंगे। और यहाँ पे जो होगा डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कम हो जाएगी और क्या होगा, यहाँ पे करेंट फ्लो रुक जाता है, करेंट फ्लो नहीं हो पाता है। तब जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में होता है तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है, मैंने आपसे बताया वो क्या होती है, वो बढ़ जाता है और वोल्टेज वैरियर भी बढ़ जाता है, ठीक।
विथ जो विथ होता है प्रोपोर्शनल किससे होता है, इनवर्स बायस के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने ये फिगर आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या क्या कंडीशन है उसमें हम आपको यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके साथ। तो यहाँ पे कि देखिए क्या क्या टर्म्स यहाँ पे आने वाला है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज और करेंट के रिलेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपसे बताया कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में हमारा डायोड वर्क करता है, किस तरह से वर्क कर रहा था, करंट कैसे फ्लो हो रही थी नहीं हो रही थी, मैंने आप यहाँ पे देख चुके हैं। तो उस कंडीशन को हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स से कैसे समझ सकते हैं हम यहाँ पे बताएंगे आपको। देखिए अब हम यहाँ पे क्या होता है, पीएन जंक्शन में जैसे जैसे हम करेंट फ्लो कराते हैं, मतलब करेंट को जैसे जैसे वैरी कराते हैं, अर्थात जब हम वोल्टेज को वैरी कराते हैं, यहाँ पे देखिए इस अवस्था में यहाँ तक क्या है, करंट जब यहाँ पे क्या है बहुत ही कम करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज हमारा क्या है, हम वोल्टेज को वैरी करा धीरे धीरे रेगुलेट करा रहे हैं एज अ रेगुलेटर, तो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, करंट हमारा कंडक्शन की अवस्था में प्राप्त हो रहा है। अब एक समय ऐसा आता है कि हमारा करंट क्या होता है, वो कंडक्ट कर जाता है, जिसको हम कहते हैं हाईली कंडक्ट हो जाता है। और ये जो अवस्था होता है ये किस में होता है, फॉरवर्ड करंट में होता है, जिसके ये जो कंडक्शन प्राप्त होता है ये फॉरवर्ड बायस मतलब पी एन के फॉरवर्ड बायस में ये वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि नी वोल्टेज क्या होता है। देखिए अब ये जो अवस्था है जहाँ से हमारा करंट क्या हो रहा है, हाईली कंडक्ट हो जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि सेचुरेट हो जा रहा है ना, सेचुरेशन की स्थिति प्राप्त हो जाती है जिस पॉइंट से, उसे हम क्या कहते हैं, नी वोल्टेज कहते हैं। इसका डिफिनीशन आपके सामने है कि जब किसी डायोड में धारा का प्रवाह फॉरवर्ड बायस स्थिति में होता है तो पहले वोल्टेज बढ़ने पर करंट क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, इंक्रीज करता है, बट कुछ समय पश्चात जब सप्लाई वोल्टेज का मान वेरियर वोल्टेज से अधिक हो जाता है, जो हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, जिसको हम रेगुलेट कर रहे हैं, जहां तक ये वेरियर है मतलब 0.3 0.7 का वेरियर होता है, वहां तक ये क्या कर रहा है, कंडक्शन नहीं हो रहा है। अब जैसे वेरियर वोल्टेज क्रॉस हो रहा है, उस वोल्टेज को क्रॉस कर रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, करंट बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा ये नी वोल्टेज को क्रॉस कर गया है और ये सेचुरेशन में हमारा करंट जा चुका है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि करंट का मान तेजी से बढ़ने लगता है, अर्थात फॉरवर्ड बायस का वह वोल्टेज जिस पर डायोड में करंट का प्रवाह अचानक तेजी से बढ़ जाता है वो क्या कहलाता है भाई, नी वोल्टेज कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आप फिगर में आप देख रहे होंगे रिवर्स बायस में लिखा हुआ है ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ये क्या होता है साहब, ब्रेक डाउन वोल्टेज जब डायोड रिवर्स बायस स्थिति में रहता है तो वोल्टेज बढ़ने पर करंट का मान नहीं बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि यह करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण और डायोड के नियत तापमान पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या निश्चित रहती है। इस स्थिति में प्राप्त करंट सेचुरेशन करंट कहलाता है, लेकिन जब नेगेटिव वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ जाता है, देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, जब हम नेगेटिव वोल्टेज क्या होता है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, तो रिवर्स बायस की स्थिति में अचानक रिवर्स करंट तेजी से बढ़ने लगता है। तो इस स्थिति में अचानक क्या होता है, रिवर्स करंट हमारा क्या होता है, बहुत तेजी से क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये इसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज कह सकते हैं, ज़ीनर वोल्टेज कह सकते हैं, या एवलांच वोल्टेज कहलाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।